समीर मध्य प्रदेश से। हेलो, पूछिए समीर। सर नमस्कार। नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, हमारे घर में सर मेरे भाई को, सर मेरी मॉम को, सर उनके हाथ पैर सर थोड़ा दर्द कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो सर मुझे जांच करवानी चाहिए कि सर नहीं करने कर पा रहे। और कोई सिम्टम है या सिर्फ हाथ पैरों में दर्द है? सर उनके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं सर, और सर अभी हमारे सर यहाँ सर 3 लोग सर एक्सपायर हो गए, मतलब खत्म हो चुके हैं आपके आसपास? जी सर। नहीं नहीं, उनके 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 आसपास तो नहीं आई वो, जिनके बारे में आप बता रहे हैं, कहीं कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तो नहीं है, आसपास तो नहीं गई वो? नहीं सर, पड़ोस में तो थे सर, बोल चाल था, मतलब अभी अभी खत्म 2-3 दिन उनको सर उनको हुआ है, खत्म हो गए। ठीक है डॉक्टर, मतलब संजीव सांस लेने में क्या आप कह रहे हैं? हेलो, हाँ सांस लेने में क्या बता रहे हैं आप? सर हल्की से सांस लेने में तकलीफ भी होती है, उसके पैर उसके बाद सर हाथ पैर बिल्कुल सफा रह जाते हैं, मतलब काम ही नहीं करते हैं सर। अच्छा ठीक है डॉक्टर संजीव। हाँ देखिए, काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनमें कि कोई टिपिकल सिम्टम्स नहीं थे, कॉफ नहीं था, फीवर नहीं था, लेकिन वो सिर्फ वो एक्सट्रीम वीकनेस है, कमजोरी और साथ में भूख कम लगना, ऐसे करके भी पेशेंट्स आए और ये एटिपिकल सिम्टम्स जिनको कहते हैं, और उनका भी कोविड पॉजिटिव आया है। तो ऐसे में जैसे आप बता रहे हैं कि आपके नियर बाई आपके विसिनिटी में कोई पॉजिटिव पेशेंट आए जो एक्सपायर हुए, और अब इनको सिर्फ कमजोरी है, पहले एकदम स्वस्थ थे लेकिन अभी कुछ दिनों में कमजोरी महसूस होने लगी है, भूख कम लग रही है, अनइजीनेस फील हो रही है, तो ऐसे में तुरंत जांच करवानी चाहिए, है ना, और फिजिशियन के संपर्क में आकर के। वैसे डॉक्टर साहब एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये आपने इंपॉर्टेंट इनको सजेशन दिया कि टेस्ट फॉरन कराएं और फॉरन फिजिशियन के संपर्क में आए, और आजकल ये भी एक थंब रूल है कि आप टेस्ट जरूर कराएं अगर आपको सिम्टम है थोड़े बहुत भी सर्दी जुकाम जैसे, अनटिल प्रूवन अदरवाइज इसको कोरोना मान के ही चलें। डॉक्टर सालवे, ऐसे में एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे अब ICMR ने एक गाइडलाइन जारी की कि अब जो ट्रैवल के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता था RT-PCR नेगेटिव, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे सिस्टम पे प्रेशर पड़ रहा था, और नेगेटिव होने के बाद 14-15 दिनों के बाद भी जो आवश्यक होता था वो कराने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए किया जा रहा है कि सिस्टम ईज आउट हो। मैं एक बात ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो मौसम होता है गर्मियों का, जिसमें आप AC में कई बार जाते हैं, बाहर निकलते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, और ये इसमें अमूमन हर साल हमको ये नॉर्मल सिम्टम्स होते रहे हैं, अब ये जो है, ये जो इन्होंने बताया, इनके साथ हो सकता है साइकोलॉजिकल भी ये हो रहा हो कि आसपास इन्होंने उन लोगों को जाते हुए देखा है तो नॉर्मल सिम्टम्स भी इनको ऑगमेंटेड लग रहे हैं उनके दिमाग में, इसकी कितनी संभावना है? लोग कब तक इंतजार करें कि हो सकता है ये सामान्य सर्दी जुकाम हो? नहीं, बात इंतज़ार की नहीं है, करेंटली हम देखा जाए तो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस पीक से गुजर रहे हैं, और ये स्ट्रेन जो है बहुत ही इन्फेक्शियस स्ट्रेन है, सीवियरिटी उतनी नहीं है लेकिन इन्फेक्शियस ज़्यादा स्ट्रेन है, तो और उससे दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है 30-40% असिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन होता है, तो ये पाना, ये असर्ट करना बहुत ही मुश्किल होता, जानना बहुत ही मुश्किल होता है कि हम किसी के कॉन्टैक्ट में आए या नहीं आए हैं, क्योंकि असिम्प्टोमेटिक जिसको सिम्टम्स नहीं है वो भी ट्रांसमिट कर सकता है। सो अगर आपको लगता है, शक है, जिसको कहते हैं हम सस्पिशन, क्लिनिकल सस्पिशन ज़्यादा लगता है कोविड होने का, तो उसको उसी तरह से लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जांच कराएं या ना कराएं, जब भी हम पैंडेमिक पे डील करते हैं, एज अ एपिडेमियोलॉजिस्ट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू आइसोलेट योरसेल्फ और खुद का हेल्थ मॉनिटर कीजिए, जांच कराएंगे उसकी रिपोर्ट 3-4 दिन बाद आएगी, क्योंकि अभी सिस्टम स्ट्रेस्ड है तो रिपोर्ट आने में समय लगता है। ट्रांसमिशन रोकने के लिए खुद को आइसोलेट करना, और आइसोलेट करना मास्क पहन के घर पे, मैं सभी को यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको सिम्टम्स है तो घर में सभी लोग मास्क पहने, N95 पहने, वेंटिलेशन घर पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साफ़ सफाई रखें, इससे क्या होगा कि ट्रांसमिशन फैलेगा नहीं, और अपनी हेल्थ का मॉनिटरिंग कीजिए, पल्स देखिए, BP देखिए, आजकल पल्स ऑक्सीमीटर आना मिलना सुलभ हो गया है, ऑक्सीमीटर से, पल्स ऑक्सीमीटर से अपना SpO2 देखिए, और अपने फिजिशियन से संपर्क में रहिए, पैनिक होके सेंटर जाना, अस्पताल विजिट करना ज़रूरी नहीं है, 90% मरीज घर पे ठीक हो रहे हैं विदाउट एनी मैसिव इंटरवेंशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर्स, आप दोनों ने वक्त निकाला, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।